हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज हम डा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, एल्गोरिदम्स का, दैट इज जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइंस। ठीक है, तो ये एक जॉब शेड्यूलिंग का एग्जांपल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जहां पे अलग अलग जॉब्स दिया हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 जॉब्स विद डेडलाइंस आप लोगों को दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे डेडलाइन दिया है और उनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट दिया होगा कि कौन सा जॉब करने पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका एम क्या होता है, तो द जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक इज अप्लाइड टू शेड्यूल द जॉब्स ऑन अ सिंगल प्रोसेसर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। मतलब ये जो डेडलाइन है वो गिवन टाइम लिमिट के अंदर एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर आपको इन जॉब्स को इस तरीके से शेड्यूल करना है कि अगर ये 5 जॉब्स में से लेट्स से हम 2 या 3 ही कर पाते हैं, बट वो इस तरीके से करना है कि भले वो 2-3 ही कर पा रहे हैं बट उससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट? तो उसको उस तरीके से हमको शेड्यूल करना है। तो ऑब्वियसली वो चीज हम रैंडमली नहीं कर सकते, राइट? देयर इज अ एल्गोरिदम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इट, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स में जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको 3, 4, 5, 6 मार्क्स का ये प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा जहां पे यू विल बी गिवन डिफरेंट जॉब्स, डेडलाइंस एंड प्रॉफिट। यहाँ पे हमको 5 जॉब दिया है, मतलब एन इक्वल टू 5 है। इन जनरल 5 या 6 जितने देते हैं, बाकी एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, 3 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। आपको ये स्टेप्स आने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 इज हियर, आई विल क्विकली ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट टू यू कि ये कैसे होगा, राइट? बहुत इजी वे से आप ये चीज कर सकते हो, आपको बस स्टेप्स याद होने चाहिए। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको याद रखना है, अरेंज द गिवन जॉब्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। आप ये चीज समझो, ये एक्चुअली कौन सा टेक्निक है गाइस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीडी टेक्निक, राइट? इसके पहले भी हमने 2-3 जो टेक्निक्स देखे थे वो ग्रीडी के देखे थे। तो ये जो जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ना, ये भी ग्रीडी एल्गोरिदम का ही एग्जाम्पल है, राइट? अब ग्रीडी में आपको पता है वो हमेशा क्या देखता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए वो स्टेप लेगा, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अगेन वी हैव टू अरेंज द गिवन जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद वाला, सो दैट अगर हम 1-2 जॉब भी कर पाए तो भी हम ऐसे जॉब्स करना चाहते हैं जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। तो चलो अरेंज कर लेते हैं जॉब, डेडलाइन और प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले मैं यहाँ पे पी ले लेती हूँ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा मेरा कौन सा है, 100, देन 60, 40, 20, 20, राइट? 60, 40, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब बड़े से छोटे में, राइट? तो ये मैंने प्रॉफिट्स लिख लिए। अब ये जो प्रॉफिट है उनका रिस्पेक्टिव जॉब और डेडलाइन लिख लेते हैं। चलो लेट मी राइट जॉब एंड डेडलाइन। तो डेडलाइन के लिए फॉर एग्जांपल डी लिखते हैं, जॉब के लिए जे लिखते हैं। तो जो 100 प्रॉफिट देने वाला जॉब है उसका डेडलाइन और ये क्या है, 1 एंड J2, तो 1 एंड J2। सिमिलरली बाकी सबका भी लिख लेते हैं, 1J4, 2J3 एंड सी। ये तीनों का तो क्लियर है। अब जहां पे ये 2020 है, ये मैंने 2 वाला कैसे लिया, ये देखो 2020 है, मतलब प्रॉफिट ये दोनों में हमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, सेम मिलेगा। अब जब दोनों में सेम प्रॉफिट मिलेगा तो दोनों में से कौन से जॉब को पहले लेना है, जैसे J5 वाला जॉब है वो भी 20 प्रॉफिट दे रहा है और J3 वाला जो जॉब है वो भी 20 प्रॉफिट दे रहा है, तो आप पहले कौन सा लोगे? इन दैट केस ज्यादा हमको दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, वी विल अप्लाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये दोनों में से, ये 20 और ये 20 में से, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जो पहला जॉब है उसको हम पहले ले लेंगे। तो पहले J3 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, J5, 1 एंड J5, क्लियर? तो पहला स्टेप इज वेरी सिंपल, क्या किया है हमने, प्रॉफिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और उनके जो रिस्पेक्टिव डेडलाइन और जॉब्स है वो भी लिख दिए। अब बहुत सिंपल स्टेप है, सेकंड स्टेप देखो, दिस वाज स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम डेडलाइन क्या है। ये जो डेडलाइन डी हमने लिखा है, जो डेडलाइन क्वेश्चन में दिया है, उसका मतलब क्या है, टाइम लिमिट, कितने टाइम तक वो जॉब खत्म करनी है। मतलब J1 वाला जो जॉब है वो 3, लेट्स से हम डेज अगर ले ले, J1 3 दिन में ही करना है, J2 1 दिन में ही करना है, J3 2 डेज में, J4 1 डे में, J5 1 डे में। मतलब इसको ऐसे समझो गाइस कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया है जो कंप्लीट करने के लिए आपको 4 डेज दिए हैं, ठीक है, तो वो असाइनमेंट आप Day 1 पे कर दो तो भी गुड, Day 2 पे कर दो तो भी अच्छा, Day 3 पे कर दो तो भी अच्छा, या Day 4 तक सबमिट करो तो भी चलेगा। बट अगर 4 दिन का डेडलाइन दिया है और आप 5वें दिन में उसको सबमिट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, करेक्ट? तो आपको क्या देखना है कि ये 5 जॉब्स करने के लिए मैक्सिमम डेडलाइन क्या है मेरी। तो देखो, ये तीनों तो 1-1 दिन में ही करना है, ये 2 दिन में करना है और ये 3 दिन में करना है, उसका मतलब 3 से ज्यादा कोई भी नहीं है। सो द मैक्सिमम डेडलाइन इज 3। 3 डेज के बाद अगर आप कोई भी जॉब करते हो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? तो स्टेप 1 में हमने ये चीज की। स्टेप 2 में हम सिंपली क्या करेंगे,
हम लिख लेंगे कि मैक्सिमम डेडलाइन क्या है. तो स्टेप टू में हमने लिख दिया मैक्स डेडलाइन इज इक्वल टू हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 3, राइट. 1, 2 एंड 3 है तो मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, 3. तो अब जो भी आपका मैक्सिमम डेडलाइन हो उस हिसाब से, उसका मतलब क्या है कि आपको टोटल 3 ही दिन के अंदर ट्राई करना है जितने जॉब्स कंप्लीट हो उतने. अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया हमको ये सोच के चलना है इस एल्गोरिदम के क्वेश्चन में कि एक जॉब को करने के लिए एक दिन लगता है, क्लियर. एक दिन में आप एक से ज्यादा जॉब भी नहीं कर सकते, एक से कम जॉब भी नहीं कर सकते, ये हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं. तो अब डेडलाइन 3 है, उसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना है, 3 दिन का. तो ये 3 बॉक्सेस हमने बना दिए day 1, day 2, day 3 के लिए. अब चलो, अब हमारा मेन काम क्या है, जो जॉब हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो हम सबसे पहले करेंगे. तो अब हमको कौन सा टेबल देखते रहना पड़ेगा, ये नीचे वाला जो हमने बनाया प्रॉफिट वाइज. तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कौन दे रहा है, 100 प्रॉफिट मुझे कौन दे रहा है, J2. उसका मतलब ये तो मुझे करना ही है बिकॉज ग्रेडी टेक्निक के हिसाब से ये तो मुझे चाहिए इतना प्रॉफिट, ठीक है. अब J2 करना है, बट J2 को इनमें से कौन से दिन में करेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके डेडलाइन से. डेडलाइन क्या है उसका, 1. उसका मतलब उसको फर्स्ट डे ही करना होगा गाइज, उसका डेडलाइन 1 है. तो उसको अगर आप सेकंड डे या थर्ड डे करोगे तो अगर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लियर. तो J2 को आपको कंपल्सरी day 1 में ही करना होगा. तो इधर मैं लिख देती हूँ J2. तो ये हमारा फिक्स हो गया, J2 हमने लिख दिया. अब हमारा प्रॉफिट, हमको अगर J2 हमने पहले ही दिन में कर दिया तो प्रॉफिट मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट मेरा 100 यहाँ पे फिक्स हो गया, क्लियर. चलो अब नेक्स्ट, J2 तो day 1 में हमने कर दिया, अब हमारा day 2 और day 3 बाकी रहा. J2 डन. अब नेक्स्ट जॉब जो हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा वो कौन सा है, 60. उसका डेडलाइन क्या है, J1 है, उसका डेडलाइन है 3. मतलब उसको मैं day 2 में भी कर सकती हूँ और day 3 में भी कर सकती हूँ. इन दैट केस गाइज आपको याद रखना है, इसको आप day 2 में कर तो सकते हो बट आइडियल कंडीशन में आपको ये day 2 में लिखना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि इसका है day 3, तो आप इसको 2, 3 किसी में भी कर सकते हो. बट हो सकता है कि आगे कोई ऐसा जॉब आए जो आपको day 2 में ही करना पड़े, समझ में आ रहा है. तो अगर इसके लिए मेरे पास 3 दिन का टाइम है तो इसको 3rd डे पे शेड्यूल करते हैं, राइट. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा. तो नेक्स्ट जॉब है J1, उसकी डेडलाइन है 3, मतलब वो सेकंड डे पे भी कर सकते हैं, 3rd डे पे भी कर सकते हैं, बट हम इसको बिठाएंगे 3rd डे पे, दैट इज J1. तो अब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 100 प्लस 60, तो अब मेरा प्रॉफिट हो गया 160, क्लियर. ओके, नाउ अब वापस हम बना लेते हैं, 3 दिन में से मेरा सेकंड डे बाकी है. फर्स्ट डे पे मैंने J2 कर लिया, 3rd डे पे मैं J1 करूंगी. अब नेक्स्ट प्रॉफिट वाला क्या है, 40, दैट इज J4. अब इसका देखो गाइस डेडलाइन क्या है, 1. उसका मतलब एक ही दिन में ये कंप्लीट करना है, सेकंड या डे एक ही दिन में ये कंप्लीट करना है, सेकंड या थर्ड डे पे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है. बट क्या हम इसको एक ही दिन में कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज फर्स्ट डे पे ऑलरेडी हमने शेड्यूल कर दिया है J2 और वो हमको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है 100, तो हम ये जॉब कर ही नहीं पाएंगे. इसको हमने क्रॉस कर दिया, क्लियर. तो इसको हमने क्रॉस कर दिया. अब नेक्स्ट कौन सा है, J3 है, जिसका प्रॉफिट है 20, डेडलाइन है 2 और 2 डे मेरा खाली है. तो यस, यहाँ पे हम J3 को शेड्यूल कर देंगे, क्लियर. तो J2, J1, J3 ये मेरा फाइनल सीक्वेंस हो गया जॉब करने का, ये मैंने शेड्यूल कर दिया. और टोटल प्रॉफिट मुझे क्या मिल रहा है, J2 का 100, J3 का 60 और सॉरी J3 का 20 और इसका 60. तो 100, 60 और 20, दैट इज इक्वल टू 180. तो 180 मेरा फाइनल प्रॉफिट है और ये मेरा फाइनल जॉब शेड्यूलिंग का शेड्यूल है.